आप कैमरा ऑफ करो। क्यों कैमरा ऑफ करें भाई? क्यों आप हो गया आपका? क्यों हो गया? हो रहा है आप, क्या हो गया? करो है गलत गलत चीज तो तुम देख रहे हो फटाफट। क्या केक क्यों फेंका? क्यों फेंका केक? अगर आज की डेट का है क्यों फेंका? रीजन क्या था? बस इतना बताओ नीचे क्या था। ये जो है ओल्ड काफी दिन से यहाँ पर पड़े थे, ये भी इन्होंने रखे हुए, अब ये निकाल रहे। इधर सर दिखाना जरा, कई ऐसे केक हैं जो स्टोरेज पे काफी दिन से लग रहे हैं कि पड़े हुए हैं, उनका क्या किया जाता है? ये जो केक है, ये जो आपने अभी केक निकाला है कितने दिन से स्टोर था कुछ बताएंगे? मॉर्निंग का है ये, मॉर्निंग का है जी। उसको फिर छुपा क्यों रहे? छुपा क्यों रहे? क्यों रखे हैं वहाँ पे? वहाँ रखे आप तो वहाँ से उठा के जल्दी से ले आए ना। मॉर्निंग का आप डेट देख लो ना। तो आपने फेंका क्यों? फेंक दिया वहाँ। नहीं आपका मॉर्निंग का है तो फिर डस्टबिन में क्यों फेंका? आप डेट देख लो ना। हाँ ये फिर फेंका क्यों फिर अगर डेट देख रहे हैं? चलो दिखा दीजिए डेट, दिखा दीजिए। आइए 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 आइए। ये कई ऐसे जो केक्स हैं अभी साथ के साथ इन्होंने डस्टबिन में फेंके हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, डस्टबिन में इन्होंने अभी सामने ही केक फेंके हैं। ये कितने दिनों से केक रखे जाते हैं, डिलीवर होते हैं, कितने दिनों बाद डिलीवर होते हैं? हालांकि इन्होंने अभी हमारे सामने केक जो है वो डस्टबिन में फेंका। कितने दिनों से ये केक था ये नहीं पता, डस्टबिन भी इसको भी ढक के नहीं रखा गया। केक बनाने वाली फैक्ट्री च पहुंचा पत्रकार। क्यों कैमरा ऑफ करे भाई? क्यों आप हो गया आपका? क्यों हो गया? हो रहा है कैमरा देख कर्मचारियों ने कूड़ेदान सुट्टे केक, कर्मचारी पत्रकार नाल करन लगे बहस। मॉर्निंग का आप डेट देख लो ना। तो आपने फेंका क्यों? फेंक दिया वा। देखो किवें सेहत विभाग दे छापे करके कर्मचारियों नु पईया भाजड़ा। बीते दिन ही इसे तरह का केक खान करके एक बच्ची दी पटियाला विखे मौत हो गई सी। एक एक फैक्ट्री वाले सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर ते दिंदे ने। फ्रिज च पए ने कई दिन पुराने केक। द न्यूज 18 दे पत्रकार मनोज राठी दे वल्लों कैमरा ऑन करके इस केक बनाउण वाली फैक्ट्री दा पर्दाफाश किया गया है। देख सकते हो कि किन्ने किन्ने दिन पुराने केक फ्रिजां दे विच पए ने। जेकर तुसी खाओगे तो बीमार होना तय। आओ मौके की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब के पटियाला में केक खाने से हुई 10 साल की बच्ची की मौत मामले में अब हेल्थ डिपार्टमेंट जरूर सख्त दिखाई दे रहा है। पंजाब के अलग अलग जो केक्स के या जोमैटो से जहां डिलीवरी होती है वहां पर जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहां जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी चेक किया जा रहा है। जो मैन्युफैक्चर जिस तरीके से जो प्रोसेस किया जा रहा है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं, शामिल की जाती हैं, कौन से प्रोडक्ट्स इसमें यूज किए जाते हैं, खासतौर पर जो केक्स बनाए जाते हैं, बर्थडे केक्स बनाए जाते हैं, और आजकल जिस तरह से देखा गया है कि ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है, घरों पर ही जोमैटो या स्विगी से डिलीवरी की जाती है, वो कहाँ से आ रहे हैं, पीछे वो कहाँ से आ रहे हैं, वहां पर पहुंचकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो पूरा चेक करती नजर आ रही है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ के साथ लगते बिल्कुल मोहाली जिले के खरड़ एरिया में हेल्थ टीम पहुंची है, पंजाब की हेल्थ टीम पहुंची है और यहां पर पूरी चेकिंग करती नजर आ रही है। जो केक्स यहां पर बनाए गए हैं या जो डिलीवर होने हैं या फिर कितने दिन से ये केक्स पड़े हैं, ये सारी चीजों को लेकर एक एक प्वाइंट पर किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूरा चेक किया जा रहा है क्योंकि कई चीजें हैं, कई चीजें हैं। सर क्या हुआ? क्या हुआ बताइए सर? क्या बंद किया? हेल्थ डिपार्टमेंट आई है टीम, एक मिनट में करा रहा हूँ। क्या करा रहे हैं? मैं बात आप बता दीजिए ना कैसे बनाते हैं, उसमें क्या है बताइए। केजून लड़का आ रहा है केजून पर ये पूरा, हालांकि यहाँ पर जो भी चीजें हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुंची है और पूरा चेक करते नजर आ रही है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से एक बच्ची की मौत आई, मौत का मामला सामने आया था। अनिल जी किस तरह से चेकिंग की जा रही है, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग जगह जाके चेक किया जा रहा है? बेसिकली हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स जो है शेड्यूल 4 जो फूड सेफ्टी एक्ट का है उसकी हमने मेन गाइडलाइंस जो है जिनके मेडिकल्स होने चाहिए, पेस्ट कंट्रोल के रिगार्डिंग जो है गाइडलाइंस है, जैसे डस्टबिन ओपन है ये क्लोज होने चाहिए। यहाँ पर भी काफी गंदगी देखने को मिली, डस्टबिन क्लोज होने चाहिए। तो जो शेड्यूल 4 की हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमारी ज्यादा है और रॉ मटेरियल्स की चेकिंग कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं क्या वो
विद इन अपने टाइम फ्रेम में एक्सपायर प्रोडक्ट्स उन्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है, जो फूड कलर्स हैं एडिटिव हैं वो एडिबल हैं या नॉन एडिबल हैं, उनके साथ जैसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो लायक है भी कि नहीं, जिसकी वजह से जैसे हमने पटियाला में सुना है भी नॉन एडिबल प्रोडक्ट की वजह से अनफॉर्चुनेट जो है उसकी डेथ हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से हम लोग ज्यादा रॉ मटेरियल्स और हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमारी पूरी चेकिंग है। जितने भी क्लाउड किचन है हमने अभी दो इससे पहले भी चेकिंग किया, ये थर्ड वन है, तो इससे हम चेकिंग भी कर रहे हैं और सैम्पलिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स और इसकी खाने लायक है। सर क्या देखा इसमें, क्योंकि जो प्रोडक्ट से बना रहे हैं या फिर जो स्टोर किए हुए उसमें कुछ खामियां पाई गई इस तरह से देखा आपने? देखो अभी तो देखने में तो ठीक लग रहे हैं, जैसे थोड़ी बहुत हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स की कमी है, बाकी हम लोग अभी सैंपल लेंगे उसके बाद ही लैब की रिपोर्ट के अनुसार ही बताया जा सकता है कि उसमें कुछ खामियां है कि नहीं। जैसे यार ग्रोथ वगैरह है वो लैब रिजल्ट्स के जरिए ही पता चल सकती है, क्योंकि सर कई चीजें होती है, कई खामियां जो है वो क्योंकि उस तरह से अनफॉर्चुनेट कई जगह छापेमारी की गई है, कई सैंपल जो है वो भी लिए गए हैं, लेकिन कई बार देखा तो साफ सफाई या फिर जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें कभी ना कहीं खामियां। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कई लोग दुकानदार जो है ज्यादा मुनाफे के लिए घटिया प्रोडक्ट्स यूज कर देते हैं, जो फूड कलर्स हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, उनमें नॉन एडिबल यूज कर लेते हैं, नॉन एडिटिव्स भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से दिक्कत आती है, तो उसके जरिए हमारे जो ये आज की पूरी रूटीन है इसके जरिए हमने यही जा रहा है कि निश्चित करना।